आज मैंने नई चीज एक लॉन्च करी है जिसको बोलते हैं KFC ऑमलेट। आपने हमेशा कुरकुरे वाले मोमोज खाए होंगे या कुरकुरे वाला बर्गर खाया होगा, खाया सर, मगर कुरकुरे वाले पकौड़े खाए हो, मगर मैं आपको कटलेट की जगह ऑमलेट खिलाऊंगा, वो भी कुरकुरे वाला, जिसको बोलते हैं यहाँ पर KFC ऑमलेट। आपने हमेशा KFC में जाकर कुरकुरे वाली चीजें खाई हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, ये KFC का मसाला है जो मैं ऑमलेट में चढ़ा के अच्छी तरह बनाऊंगा। ये वही जायके हैं, आइएगा उस जायके को देता हूँ आपके आगे, क्योंकि ये मेरी नई चीज लॉन्च है जिसको बोलते हैं KFC ऑमलेट। ये क्वार्टर मक्खन देखिएगा, मैं तो स्वाद खिलाऊंगा और स्वाद का सिकंदर ऐसे ही जायके देता है। ये तीन अंडे, ये भी बड़े खास है अंडे, आपने नहीं देखे होंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं और आपने अंडे गिन के बताने हैं कि मैंने कितने डाले हैं। दो और ये तीन, एक अंडे पे दो अंडे निकलना और ऐसे जायके देना, ये स्वाद के सिकंदर का काम है। और ये मुट्ठी भर के प्याज, देखिएगा जब कोई स्वाद बनाया जाए तो भरपूर स्वाद का जायका निकलता है। स्वाद अनुसार मिर्चें, ये महंगे से टमाटर जो आजकल चल रहे हैं पेट्रोल से महंगे, और ये धनिया, आइएगा मसालों की दुनिया चलते हैं। नमक, ये लाल मिर्च और ये बाबूजी की चुटकी मसाले की, जी हाँ वही जायका जो 15 से 18 मसाले और वही जायके के अंदर बनेगा आज KFC स्पेशल ऑमलेट, जो मेरे लिए नया लॉन्च है। जब खाएंगे तो आपका दिल भी करेगा दोबारा खाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अभी डलेंगी डबल चीज और वो क्रीम का काम करती है और ऐसे ये जायका बनता है। आइएगा कैसे खाते हैं हम आपको, क्योंकि ये जायके बड़े प्यारे बनते हैं और स्वाद का सिकंदर ऐसे ही जायके खिलाता है। देखिए ये ऑमलेट जैसे नॉर्मली फेंटा जाता है, मैंने वही फेंटा है और अच्छी तरह फेंट के डाला है। ये तीन अंडों का ऑमलेट है और KFC मसाला है और आधा मक्खन डलेगा, अभी मक्खन और डलेगा सर, तभी ये जायका अच्छी तरह बन के। देखिएगा ये कुरकुरे वाला मसाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चढ़ाया जाता है हर चीज पे और चढ़ाने के लिए अच्छी तरह इसको लगाना पड़ेगा और फिर डालेंगे थोड़ा सा मसाला बाउजी वाला और फिर एक क्वार्टर मक्खन जो इसको और अच्छी तरह करारा करेगा। आइएगा उस जायका पूरा तरीके से बनाते हैं और इस स्वाद को अच्छी तरह परोस के देते हैं। ये मैंने अच्छी तरह लगा, देखिएगा KFC खाना है तो थोड़ी सी और देखते हैं किसके अंदर स्वाद को कैसे भरा जाएगा और क्या मसाले आएंगे। ये धनिया मैंने लगा दिया है, आइएगा क्वार्टर मक्खन और लगाएंगे, बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये जायका कैसे बनेगा मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, क्योंकि स्वाद का सिकंदर जायके बड़े आराम आराम से बनाता है और हल्की सिकाई पे उसको सेकना और फिर ऐसे ये मक्खन लगाना। देखिए ये मक्खन इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अच्छी तरह करारा हो जाए और एक एक चीज कुरकुरे वाली बने, ये जायके को और भी चार चांद लगाती है जब ये KFC ऑमलेट तैयार होता है, क्योंकि इसको बनाना और फिर तसल्ली से सेक के देना, यही स्वाद के सिकंदर का जायका है। और मैं नए से नई चीजें खिलाता हूँ, मेरी पहचान बन चुकी है। और मैंने बाबूजी का मसाला वो चुटकी डाल दी है क्योंकि ये जायकों से भरा हुआ, बाबूजी की चुटकी क्यों, क्योंकि हाथ से डाली जाती है और जायका अपने आप बनता है बाबूजी के मसाले से। आपने ऑमलेट तो हमेशा KFC में ना खाया हो, मगर खाए होंगे कुरकुरे वाले कटलेट या रोल या फिर चिकन वाला बर्गर। देखिए ऐसे ही चला है और ये अब करारा होगा, मक्खन जो नीचे डाला गया है उसको अच्छी तरह फ्राई किया जाएगा और इसको अच्छी तरह अंदर फिट किया जाएगा मसाले को। मैं अच्छी तरह दबा रहा हूँ क्योंकि वो एक एक दाना चिपक जाए और मक्खन में अरे यहाँ डलती है और फिर डबल चीज लगाएंगे जो मुझे लानी है। वो KFC ऑमलेट का मसाला अच्छी तरह करारा हुआ या नहीं हुआ, मगर हम उससे पहले दो चीज के पैकेट डालेंगे जो क्रीम का काम करेंगे और ये जायके को तीन गुना और डबल बनाएंगे। देखिए ऑमलेट तो बहुत खाए हैं मगर ये जायका नहीं खाया होगा, क्योंकि स्वाद का सिकंदर जो खिला रहा है उसको कहते हैं यहाँ पर स्पेशल KFC। क्या आपने ऐसा ऑमलेट खाया है, देखिएगा एक एक दाना और एक एक पेटी लग चुकी है और ये करारा हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑमलेट बड़े जायकेदार है। और ये अपने बाबूजी के नाम से देना और खिलाना, क्या आपने इतना हैवी ऑमलेट खाए इतने मोटे मोटे, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक दाना। अगर ऐसा ऑमलेट आपने नहीं खाया हो तो आइएगा KFC ऑमलेट खाने, क्योंकि ये जायकों का स्वाद है और स्वाद का सिकंदर जब देता है तो बड़ी प्यारी प्यारी चीजें बनाता है। ये स्पेशल आइटमों में मैंने नया ऑमलेट लॉन्च करा है जिसका नाम, आइएगा प्लेट की प्रेजेंटेशन करते हैं।
और इस जायके को अच्छी तरह स्वाद के अंदर परोस के देते हैं। पहले अपने बाबूजी का नाम एस, फिर थोड़ा सा इटालियन स्वाद, ऑर्गेनो फ्लेक्स देखिए, और ये थोड़ा सा बॉयलेट्स, उसे कहते हैं सर कैफसी। और एक एक दाना खाने के कुरकुरा लगना और ऐसे ही आमलेट के अंदर कुरकुरे का स्वाद देना, ये केएफसी की पहचान है।